इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के रजौरी में एक जबरदस्त एनकाउंटर चल रहा है। ऐसी खबर आ रही है कि कुछ जवान जो हैं इस एनकाउंटर साइट पर, यानी कि जहां ये घटनास्थल है, वहां घायल भी हुए हैं। सेना के स्पेशल फोर्सेस और पुलिस ने इलाके में आतंकवादियों के होने की सूचना पर अभियान शुरू किया था, जिसके बाद आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ जो है वो इस वक्त जारी है। हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी लेकर। नज़ीर, ये क्या कितना समय हो चुका है इस एनकाउंटर पर और क्या अभी शक जताया जा रहा है, किस ग्रुप से रिलेटेड आतंकवादी हैं ये? देखिए, ये ऑपरेशन आज सवेरे आर्मी और पुलिस ने ज्वाइंटली शुरू किया कालाकोट के जंगलों में, और जब उनको इत्तला मिली कि वहां कुछ आतंकी छुपे हैं, उन पे एक भारी फायरिंग हुई और जिसमें 3 या 4 जो सुरक्षा सेना के लोग हैं वो घायल हुए हैं। एक ऑफिसर के मरने की भी खबर है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी सेना या पुलिस ने आधिकारिक तौर पे नहीं की है, लेकिन काफी गोलाबारी हुई और इन जंगलों में हमने देखा कि पिछले 1-2 साल से बड़ी तादाद में इनकाउंटर हो रहे हैं और सुरक्षा फोर्सों को काफी नुकसान भी हो रहा है, और कई इनकाउंटर के बाद मिलिटेंट भागने भी कामयाब हुए हैं। कहा जाता है 3 या 4 मिलिटेंट छुपे थे उन जंगलों में, जब सुरक्षा फोर्सेज ने, जिसमें स्पेशल फोर्सेज भी हैं, उन्होंने वहां दावा बोला, ऑपरेशन शुरू किया, काफी फायरिंग हुई। अभी तक इसकी कोई इतला नहीं है कि क्या कोई मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मारा गया या नहीं, लेकिन काफी गोलाबारी जारी है और ऑपरेशन इस वक्त कालाकोट के रजौरी के इन जंगलों में जारी है। इस साल भी कही एक बड़ी मुठभेड़ इस इलाके में हुई, राजौरी और पूंछ इलाके में हुई, जिसमें सेना का नुकसान हुआ, कही एक आतंकी मिलिटेंट मारे गए, और जितने भी मिलिटेंट वहां होते हैं ये सारे पाकिस्तान से आते हैं, घुसपैठ करके आते हैं। तो ये सबसे एक बड़ा चैलेंज है अब सुरक्षा फोर्सेस के लिए, क्योंकि जंगलों में ये पना ले रहे हैं, जंगलों में छुप जाते हैं, पहाड़ों में छुप के ये सुरक्षा फोर्स के लिए कोई आसान काम नहीं होता है। कहना आसान है, लेकिन इन जगहों पे ऑपरेशन करना बिल्कुल आसान नहीं है। इसीलिए हमने देखा कि जिस तरह कुकरनाग में सितंबर 2013 को ऑपरेशन इनकाउंटर हुआ, जिसमें सेना का भारी नुकसान हुआ, यहाँ अनंतनाग जिले में एक कर्नल मारा गया, एक मेजर मारा गया, पुलिस का एक डीएसपी मारा गया, इसी तरह इस साल में अप्रैल और मई में 10 सेना के लोग, जिसमें 5 स्पेशल फोर्सेज के ऑफिसर्स शामिल थे, वो मारे गए। अगस्त में भी वहाँ इनकाउंटर हुआ, 3 सोल्जर्स मारे गए, एक मिलिटेंट इस दौरान मारे गए। लेकिन इनकाउंटर में एक बड़ा चैलेंज है किस तरह जिस जंगल वॉरफेयर को, जिसमें अब मिलिटेंटों ने एक रणनीति एक चेंज की है कि अर्बन वॉरफेयर हो या जहां बस्तियों में होते हैं उससे बढ़ के जो पाकिस्तान से आते हैं वो जंगलों में पना लेते हैं। एक ये वजह है कि लोग उनको अब शेल्टर नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात है कि वो आसानी से सुरक्षा फोर्सेज उनको किसी के घर में मारते हैं, लेकिन जब वो जंगलों में बैठते हैं तो काफी मुश्किल होता है। और इसी तरह का ऑपरेशन इस वक्त कालाकोट के इन जंगलों में है, जहां ये इतला है 3 या 4 सेना के लोग इसमें जख्मी हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 से 4 सेना के लोग जख्मी भी हुए हैं, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन सुरक्षित और सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाएगा।